वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, तो स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन चंक्स की सब्ज़ी। तो उसके लिए लिए हैं टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक हम लोगों ने घिस लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने आलू और सोयाबीन को भिगा के रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे हम लेंगे कुकर, उसमें थोड़ा सा हम लोग डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा अपने हिसाब से डालें, मीन्स ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं बनती है सब्ज़ी, तो नॉर्मल थोड़ा सा ही ऑयल इसमें जाएगा। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें आप इसमें जीरा ऐड कर दें। जब इसमें जीरा क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें हम टमाटर, हरी मिर्च और जो हमने अदरक काट के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ही इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अदरक आप नीचे लगेगा तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं इसे, और इसको अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। अब टमाटर थोड़ा गल जाए फिर उसमें हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा टर्मरिक, और इसमें और कोई मसाले ऐसे डालेंगे नहीं, बस सॉल्ट और हल्दी ऐड। नमक हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा टमाटर को हम पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। जब टमाटर थोड़ा सा मैसी हो जाए तो इसमें हम लोग जो हम लोगों ने आलू पील और सोया चंक्स भिगा के रखे थे वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको पूरा ऐड कर, आलू का साइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटे, इससे छोटे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें आलू आप काट सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा अच्छे से, इसको हल्का सा थोड़ा सा और इसको आलू के साथ मिक्स कर देंगे मसाले को अच्छे से, ऐसे पूरा मिक्स करके रख देंगे। अब जब मसाला पूरा आलू और सोया चंक्स में मिक्स हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको अब मिक्स कर देंगे जैसे मसाले पूरे आलू वगैरह और सब में मिक्स हो जाए अच्छे से, इसको ऐसे ही। इसके बाद थोड़ा सा मुझे और पानी कम, पानी डालने के बाद उसमें कुकर में लिड लगा के अब हम इसको सीटी दो सीटी तक आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे एक पहली सीटी आ चुकी है, और यहाँ पे आ गई है ये हमारी दूसरी सीटी। इसको हम दूसरी थोड़ा सा सिम कर देते हैं गैस को यहाँ पे, इसको अपने दम पे पकेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारी सब्जी पूरी अच्छे से पक चुकी है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, रेड एंड येलो कलर, ना प्यारा कलर आया है कलर सब्जी का। इसमें हम गार्निश कर देंगे कोरिएंडर लीव से, और कोरिएंडर लीव डाल के इसको अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे हल्की सी कच्चापन ना रहे लीव्स पे, तो थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर देंगे।
आलू की सब्जी के साथ मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। उसके लिए लिया है मैंने व्हीट फ्लार में मेथी गूंद ली है, उसमें थोड़ा सॉल्ट और ऑयल डाल के, और इधर मैंने एक सिवई भी चढ़ा दी है, तो इसमें थोड़ा सा दूध लिया है और जवे लिए हैं मोटे वाले जो रहते हैं सिवई वो ली है, और शुगर डाला है और थोड़ा सा कोकोनट और इलायची डाल के थोड़ी सी सिवई बनाई है इसके साथ। चलिए शुरू करते हैं पराठा बनाना। लिया है मैंने एक छोटा सा पेड़ा, लोई लेके हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब बेल के हम इसको तवे पे इसको ऐसे डाल देंगे। अब इसको थोड़ा देर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब पराठा एक साइड से सिक जाए इसको पलट दें, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐसे इसको ऑयल लगा दें इसके ऊपर अच्छे से। ऑयल लगा के इसको पलट दें दूसरी साइड से भी। इसमें फिर दूसरी साइड से भी अब ऑयल लगा देंगे अच्छे से। ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, क्योंकि इसमें मेथी रहती है तो थोड़ा सा टाइम रहता है। कच्ची मेथी है ये एक्चुअली, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मीडियम फ्लेम पे ठीक पकता है। सो तैयार है हमारी आज की प्लेट, विंटर स्पेशल प्लेट। ये हम मैंने डेकोरेट की है प्लेट, थोड़ा सा सैलेड, मेथी के पराठे और आलू सोयाबीन की सब्जी विद खीर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये यम्मी सी विंटर स्पेशल रेसिपी? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक माय ब्लॉग, गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू बी अ पार्ट ऑफ माय ब्यूटीफुल फैमिली। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय बाय।